तो ये देखिए आज हमने बनाई है बैगन भाजा रेसिपी, जो बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीजों से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिया है बैगन, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन लिए है, अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। हमें इसकी स्लाइसेस निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। हम इसी तरह से सभी बैगन को काट लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी बैगन को काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सभी बैगन पर अच्छे से मसाले को लगा लेना है। तो ये देखिए हमने सभी बैगन पर अच्छे से मसाला लगा दिया है। हमें सभी पर बिल्कुल अच्छे से लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। हमने लिया एक पैन, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल और हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। और हम बैगन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे पलट लेंगे और जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसे अलट पलट के फ्राई करते रहेंगे। हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी बैगन को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए बैगन भाजा रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, जो बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।